चैनल चुलबुली स्टोरी टीवी। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। आज की स्टोरी का नाम है ठंडी में चिड़िया का बांस का घर। ठंडी में एक गांव में जहाँ बर्फ की बरसात हो रही थी, वहाँ एक छोटी सी चिड़िया अपने लिए बांस का घर बना रही थी। यह कहानी एक ऐसी चिड़िया की है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी भी स्थिति का सामना कर रही थी। सर्दी के मौसम में सभी जीवित प्राणी अपने आप को गर्म रखने के लिए कुछ कर रहे थे, वही चिड़िया ने भी अपने लिए आदर्श बांस का घर बनाने का निर्णय लिया। उसका मानना था कि एक सुरक्षित और सर्दी से बचाव कर सके। पहले दिन सुबह चिड़िया ने बांस में रुचि दिखाई। वह अपने दोस्तों से भी इस योजना में शामिल होने के लिए कहने लगी, परंतु कोई नहीं माना। उसने फिर भी हिम्मत नहीं मानी और अपने काम में लग गई। उसने बांस की कई टहनियों को एक साथ जोड़कर एक सुंदर से घर का निर्माण किया। उसने बांस की टहनियों को इतना संगठित रूप से जोड़ा कि उसकी कुशलता दिखाई दे रही थी। चिड़िया ने अपने घर को और भी आकर्षित बनाने के लिए बांस को रंगों से सजाया। उसने चिड़ियाओं के लिए भोजन करने के लिए एक छोटी सी जगह भी बनाई, ताकि सभी चिड़िया उसके बांस के घर पर बैठ के समय बिता सके। जब सब कुछ बनकर तैयार हो गया, चिड़िया ने अपने दोस्तों को अपने घर में आने के लिए आमंत्रित किया। उसके दोस्त आकर हैरान हो गए कि इतनी ठंडी में इस चिड़िया ने इतना सुंदर घर और सुरक्षित घर कैसे बना लिया। चिड़िया ने अपने दोस्तों को अपनी कठिनाई और संघर्ष के बारे में बताया। फिर मैंने घर बनाने का निर्णय लिया और उस पर अमल होने का भी निर्णय लिया। मैंने आसमान को छूने का सपना देखा, इसलिए मैंने हर कठिनाइयों को पार करने का भी निर्णय लिया। उसकी बातों ने भी उसके दोस्तों को प्रेरणा दी और उन्हें यकीन हो गया कि मेहनत और संघर्ष से अपने सपने को पूरा किया जा सकता है। वह भी चिड़िया अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करने का निर्णय लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत और संघर्ष से हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। चिड़िया ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए ठंड में भी मेहनत और संघर्ष किया और अपने दोस्तों को भी प्रेरणा दी। और आप सभी को आज की स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जल्दी ही मिलते हैं एक न्यू स्टोरी के साथ।